हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। यह हमारे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक का कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें आज हम 11th वीक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपका नेचुरल प्रेगनेंसी होए, अगर आपका IUI होए या अगर आपका IVF होए, ये सब चीज का इंपॉर्टेंस 11th वीक पे सेम है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं सारे हमारे पास्ट पेशेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिनके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऑलराइट, 11th वीक आपके पास में एक डॉक्टर विजिट का बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहता है। नॉर्मली 11th और 12th हफ्ते के बीच में आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बुलाएंगे। इस चीज का इंपॉर्टेंस बेबी को रिलेटेड बहुत ज्यादा है। इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी स्कैन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। अगर आपको कुछ ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है। ये सोनोग्राफी कोई भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। ये टिपिकली किया जाता है 11 और 13 वीक्स के बीच में। इतना एज अ पेशेंट आपको बेसिक ध्यान में रखना है। आजकल हर डॉक्टर आपको इस चीज का एक लिस्ट देने वाला है कि 11 और 13 हफ्ते के बीच में सोनोग्राफी करने के लिए जरूर आना है। ऑलराइट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, 11वें हफ्ते के आसपास आपका यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, 11-12 सेंटीमीटर के आसपास। अगर आप एकदम दुबले पतले हो तो आपको आपका यूट्रस टच करने पे, पेट के एकदम निचले हिस्से में टच करने पे थोड़ा सा फील हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 4 बार आप उसको टच करते रहो, ठीक है, पर शायद आपको फील हो सकता है, शायद। ऑलराइट, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे वीडियो में मैं जो चेंजेस इन बेबी, हम हमेशा 3 पार्ट्स में बात करते हैं, तो मैं इस पूरे वीडियोस में चेंजेस इन द बेबी, मतलब जो फीटस को रिलेटेड चेंजेस रहते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। इस टाइम मैं यूट्रस ड्रॉ करूंगा ट्रांसवर्स प्लेन में, इसके अंदर रहता है बेबी। इस समय पे आपको आपका बेबी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, उस हिसाब से दिखेगा, एकदम अच्छी तरह से और एकदम बड़ा। बेबी के 2 पैर, बेबी के 2 हाथ, ये अच्छे से दिखते हैं 11th वीक के स्कैन पे। इस सोनोग्राफी में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत बढ़िया दिखता है दोस्तों। साइमल्टेनियसली बेबी का जो पूरा स्पाइन रहता है, इसका डेवलपमेंट और स्पाइन की हड्डियां, इसका भी डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से दिखता है। इस सोनोग्राफी में बेबी के नेक के पीछे के हिस्से की थिकनेस, ये जो मैंने रेड कलर से कलर करके दिया है, इस थिकनेस को हम बोलते हैं न्यूकल। न्यूकल का मतलब रहता है नेक, गला, न्यूकल थिकनेस, ओके, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, ये मेजर किया जाता है। सोनोग्राफी गाइडेड मेजरमेंट है। एज अ पेशेंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर वैल्यू 3 मिलीमीटर से कमती है तो वो नॉर्मल है। अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का थिकनेस 3 मिलीमीटर से नीचे है, 3 मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है भाई लोग, 3 मिलीमीटर से अगर वो छोटा है तो वो एकदम नॉर्मल वैल्यू है। 1.2 नॉर्मल, 2.1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 2.1, 2.2, 2.3 सब वैल्यू नॉर्मल। 3 मिलीमीटर से कमती का वैल्यू होना मांगता है, आपके डॉक्टर ये मेजर करके देंगे। इसके साथ में ये देखो बेबी का नाक दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेजल बोन, नाक का हड्डी। ये नेजल बोन भी जांच किया जाता है, नाक का हड्डी, समझ में आया। इसके साथ में हार्ट का एक स्कैन किया जाता है कि बेबी के हार्ट का फ्लो कैसा है। इसको बहुत मेडिकल डिटेल्स में मत जाइए, पर मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि बेबी के हार्ट का थिकनेस देखा जाता है। और साइमल्टेनियसली जो मदर का जो मेन ब्लड सप्लाई रहता है, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी, मतलब ब्लड जो पूरे गर्भ को सप्लाई करता है, वो वेसल का एक इंडेक्स किया जाता है, ओके, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। ये सारा चीज इस सोनोग्राफी में मेजर किया जाएगा। ये सारा चीज आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि क्या है ना, मेरा लाइफ बहुत बिजी चल रहा है, मेरे पास में डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है। ठीक है भाई, तुम बहुत बिजी है ना, तो भी स्टाइल मारे बिना ये सोनोग्राफी करने के लिए, भगवान के लिए आपके डॉक्टर के पास जाइए। काफी पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको घर के सामने वाला ही डॉक्टर चाहिए,
या काफी तो ऐसे रहते हैं जिनको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो घर पे आके सब करके जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सोनोग्राफी कोई स्पेशलाइज सेंटर में ही होगा, ठीक है? तो ये सोनोग्राफी भगवान के लिए कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके करवाइए। ये सोनोग्राफी मन में आया उधर मत करवाइए, सस्ते वाले डॉक्टर के पास जाके मत करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे प्रेगनेंसी का एक मैपिंग दे सकता है आपको, ध्यान में रखिए। इसके साथ में आपके डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट रेकमेंड करेंगे जिसका नाम है डबल मार्कर टेस्ट। ये खून का टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। ये ब्लड टेस्ट को आने के लिए अराउंड 48 आवर्स लगता है, पर डबल मार्कर टेस्ट के साथ नेजल बोन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और बेबी का लेंथ, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ, ये सब चीज एक सॉफ्टवेयर में डालकर बेबी में एन्यूप्लॉयडी रिस्क, मतलब क्रोमोसोमल डिफेक्ट, ब्रेन का डिफेक्ट, मंद बुद्धि होने का डिफेक्ट होने का रिस्क कितना है, उसका एक एस्टिमेशन आता है। इसीलिए ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, एज अ पेशेंट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। काफी पेशेंट खुद का दिमाग बहुत अच्छा लगाते हैं कि डॉक्टर ये मत करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, करो वो सब टाइम पास, पर ये सोनोग्राफी में खुद का दिमाग घर पे छोड़ के आना। ये सोनोग्राफी आपके बेबी के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये क्रिटिकल है। अगर आप कोई छोटे गांव में रहते हो और हमारा वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज नजदीक के कोई शहर में जाके कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके ये सोनोग्राफी करना है, ऑलराइट? क्योंकि ये सोनोग्राफी आपके बेबी का और फ्यूचर का, पूरा प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा एक लैंडमार्क सोनोग्राफी बन सकता है, ऑलराइट? इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज का पूरा आंसर्स देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वी आर अवेलेबल फॉर कंसल्टिंग इन बॉम्बे, इंदौर, अहमदाबाद एंड बैंगलोर। बॉम्बे इज अवर प्राइमरी लोकेशन। All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.